हम आपको सबसे इंट्रोड्यूस करवा देते हैं सर. ये है करिश्मा सिंह, आप इन्हें जानते ही हैं. ये है यहाँ की सबसे सीनियर कांस्टेबल पुष्पा जी. क्या बात है पुष्पा जी, सारा गुस्सा यही निकाल देंगी आप. रिलैक्स रिलैक्स पुष्पा जी. जय हिंद सर. हेड कांस्टेबल कम काउंसलिंग हेड पुष्पा सिंह. जय हिंद. इन्हें कौन नहीं जानता, अपने हाथों के स्वाद से सबका मन भाव विभोर कर देती है. सुना है कि पिछले डीएसपी ने इनके हाथों का खाना बड़े चटकारे लेकर खाया है. क्यों पुष्पा जी, हमें कुछ नहीं खिलाएंगी? खाने की उम्मीद वही कर सकता है जो खिलाना भी जानता हो. जी सॉरी सर, मगर हम ये हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह की हैसियत से नहीं, इनकी सास पुष्पा सिंह की हैसियत से कह रहे हैं. तो आपके मुंह से निकली शब्दावली स्पष्ट दर्शा रही है कि आप करिश्मा बेन की शादी में जो हुआ वो अभी तक नहीं भूल पाई है. कौन सी बात, कहीं आप वो बात तो नहीं कर रहे ना जिसमें हमारे सारे बाराती खाली पेट लौट गए थे? वो तो हम कब का भूल चुके हैं. अरे ये तो बड़े हर्ष का विषय है कि आप उस घटना को भूल चुकी हैं. तो फिर बताइए, हम कभी आए आपके यहाँ भोजन के लिए? अब कल ही आ जाओ अनु. सर कल ही आ जाइए आप. आ तो जाएंगे, लेकिन हम तब आएंगे जब पुष्पा जी स्वयं हमें आमंत्रित करेंगी. और हमें पूरा विश्वास है कि वो दिन दूर नहीं है. कभी नहीं बुलाएं. जी आपने कुछ कहा? कुछ नहीं. जय हिंद सर. जय हिंद. कांस्टेबल संतोष शर्मा रिपोर्टिंग. आई नो सर आप क्या सोच रहे हैं, यही ना कि इतनी स्मार्ट और इतनी इंटेलिजेंट लड़की यहाँ पुलिस में क्या करे, इसे तो मॉडल होना चाहिए. वाह संतोष शर्मा वाह, हमारे अंतर्नाद को कैसे भांप लिया आपने. हाँ इनर वॉइस मन की आवाज को कैसे भांप लिया आपने. तो आप सच में यही सोच रहे थे? बिल्कुल यही सोच रहे थे हम. कमाल की प्रतिभा है इनमें, मन की आवाज को जान लेती है. थैंक यू सर. वैसे एक बात बोलूं, मैं अपने जॉब से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए पुलिस फोर्स ज्वाइन किया. सर इधर. सर अरे वहां पे क्यों खड़े, यहाँ पे आइए. थैंक यू सर. जी जी सर. आई एम बिल्लू, बिल्लू द स्पाय. आप हैं जो बिल्लू निवास में रहते हैं. ओह दैट्स गुड. अच्छा लगा सर, मेरी तरह ही आपका इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत ही बढ़िया है. अरे शर्मिंदा ना कीजिए बिल्लू भाई, आपके जितना मजबूत तो है नहीं, लेकिन हाँ हमारे खुफिया तंत्र से हमें एक अति महत्वपूर्ण बात पता चली है श्रीमान के बारे में. कौन श्रीमान? आप प्रभु आप. जी और वो ये है कि आपकी सजा काफी समय पहले खत्म हो चुकी है, लेकिन आपने अभी तक यहाँ से प्रस्थान नहीं किया है. मुफ्त में इस जगह को इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका महीने का किराया कुल मिलाकर 6,500 रुपये बनता है. सर मैं यहाँ मुफ्त में नहीं रहता, मैं यहाँ बहुत काम करता हूँ, झाड़ू पोछा लगाता हूँ, बर्तन मांजता हूँ और इन सब के टिफिन धोता हूँ. अच्छा लग तो नहीं रहा है. दिन में 3 बार पोछा लगाता हूँ, सुबह का तो हो गया है, अभी दोपहर का बाकी है. किसने रखा यहाँ पे? ये देखिए सर. बाहर दखल कर. पुष्पा जी जा. डीएसपी ने तो बिलू द स्पाइस बिलू द बाय बना दिया मुझको. एक्सक्यूज मी रामू काका. काका किसको बोला? सॉरी रामू. रामू मैं रामू नहीं हूँ. माय नेम इज बिलू, बिलू द स्पाय, और इस थाने का ओनली वन इम्पोर्टेंट पर्सन हूँ मैं. अभी इससे पेश आओ. सो सॉरी बिल्लू जी, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमारा नाम ब्रिजेश है, प्लीज मेरी शादी कराओ. मैं तुम्हारी शादी क्यों करवाऊं? काका बोल दिया तो सच में मुझको खुद का काका समझ लिया जो मैं तुम्हारी शादी करवाऊं? अरे यार बड़े बेगैरत आदमी हो यार, तुम कब से बोले ही चले जा रहे हो. अरे हम आपसे ये कहना चाहते हैं प्लीज मेरी शादी करा दो, मैट्रिमोनियल से हम आए हैं और हमें हसीना मलिक जी से मिलना है. मैडम सर से मिलना है? मैट्रिमोनियल से आए हो तो ये पकड़ो ये पकड़ो. बधाई हो बधाई हो बधाई हो. का हो गया, इतना काय कूद रहे हो? तुम्हारी बहन बिलौटी का रिश्ता पक्का हो गया है का? लौटी? नहीं नहीं, मेरे बहन का रिश्ता तो नहीं, लेकिन किसी और का रिश्ता तो हो ही जाएगा. मैडम सर आपसे मिलने ब्रिजेश आया है.
तो मैट्रिमोनियल है ना, प्लीज मेरी शादी करवाओ वहां से। अब एक मिनट, लेकिन हमने तो किसी को नहीं बुलाया। उत्तम, अति उत्तम, मतलब आपने विवाह हेतु योग्य वर का चयन थाने में ही शुरू कर दिया। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, हमने नहीं बुलाया किसी को। मैडम सर, अब आ ही गया तो देख लेते हैं ना, चलिए। चलो चलो। एक मिनट, कुछ बहुत कंफ्यूजन हो गया है, हम खुद देख कर आते हैं। यस, हम ही SHO हसीना मलिक, आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? लगता है आपने हमें पहचाना नहीं। पिछले साल आपने हमें मैट्रिमोनियल वेबसाइट के थ्रू पसंद किया था, लेकिन हमने आपको मना कर दिया था। एक मिनट, आपने हसीना मैडम को ना बोला? तुम्हारी आंखें तो ठीक है? जी, हम आंखों के ही डॉक्टर हैं। डिग्री फर्जी होगी। अमा, तुम फर्जी डिग्री रखते हो, तुम्हारी तो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, बस वो ऐसे ही बोल रहे हैं। ना क्यों बोला? पसंद नहीं मिलती होगी ना। ऐसे कैसे नहीं मिलती, कंपैटिबिलिटी तो एकदम सही मिलती होगी, क्योंकि अगर आगे जाके मैडम सर ने मुजरिमों को पकड़ा, उनकी आंखें निकाली, तो आप डॉक्टर हो, आप वापस लगा देना। संतोष जी, ये मारपीट का काम ना करिश्मा मैडम का है, और करिश्मा मैडम के लिए ये रिश्ता बहुत ही परफेक्ट होता। ज्यादा मुंह नहीं चल रहा तुम्हारा बिल्ला, आंख फोड़ देंगे यही अभी। अरे देखिए, आप सब लोग हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली हमें ये पसंद आई थी, लेकिन जैसे ही हमें पता चला कि ये पुलिस वाली है, तो हम थोड़ा डर गए। I'm so sorry. It's okay. Sorry कहने की कोई जरूरत नहीं, हमें आदत है। आदत मतलब? इन महानुभव के अलावा और भी हैं जिन्होंने आपको इस वजह से इनकार किया है? देखिए, हमारी सलाह में आपके लिए एक पुलिस वाले के साथ ही विवाह के संबंध में बनना उचित होगा। आप यहाँ किस काम से आए? मैडम सर, अपनी गलती का एहसास हो गया होगा इन्हें, इसलिए दोबारा हाथ मांगने आए हैं, राइट? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हमारी तो शादी फिक्स हो गई है, बल्कि 2 दिन बाद हमारी शादी ही है। बधाई हो, बधाई हो। रिसेप्शन पे हमें बुलाना, मेनू में क्या रखा है? कॉन्ग्रेचुलेशन मैडम सर, मुझे तो अपनी शादी में बुलाएगी। अरे कहाँ है का कॉन्ग्रेचुलेशन? बधाई वाला कॉन्ग्रेचुलेशन? मतलब हमारा कहने का मतलब है कि इसमें बधाई वाली कोई बात ही नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? आपकी शादी मैडम सर के साथ तय हो गई है, तो इसमें बधाई वाली बात नहीं है? एक मिनट, हमारी कोई शादी फिक्स नहीं हुई है। हमारी शादी फिक्स हुई है। बात तो एक ही हुई ना, आपकी इनके साथ, इनकी आपके साथ हमारी। इनकी शादी किसी और से फिक्स हुई है, राइट? तो मैडम सर, आपकी शादी कहीं और फिक्स हुई है? हमारी शादी ही फिक्स नहीं हुई है। अच्छा अच्छा, ठीक है, मतलब आपकी शादी, ठीक है, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपको अभी पछतावा हो रहा है कि आपने इन्हें मना कर दिया? हाँ, ऐसा कह सकते हैं। ये तो होना ही था श्रीमान, अब जिसका नाम हसीना हो, उसे अपनी जीवन संगिनी बनाने से इनकार करके आपने अत्यंत नासमझी का काम किया है। इनकार करने का तो हमें पछतावा है ही, लेकिन हमें इससे ज्यादा पछतावा ये है कि हमने अपनी मंगेतर को हाँ क्यों बोला। जीवन झंड कर दिया है उसने हमारा। काहे? हसीना मैडम को छोड़ के किसी पूतना को हाँ कर दिया है क्या? पूतना नहीं है, हाँ पर पूतना से कम भी नहीं है, हल्दी नाम है उसका। हल्दी? कहीं आप वो मैं हल्दी दे सीरियल में आती है वो हल्दी? हाँ हाँ, वही हल्दी। भगवान, अपनी सास हमको जिंदा ना छोड़ दे। अब हम कहाँ करें? कहाँ करें हम? कहाँ करें? हे देवी माँ, हमरा रक्षा करी बस। वाह, क्या बात है! ये आंसुओं का दुकान, मेलोड्रामा करने वाला सामान आपका है? नहीं मतलब यही आपका फ्यूचर वाइफ है? जी। क्या बात है! आप संतु, ये क्या कह रहे हैं आप? हल्दी, हम तो बहुत बड़े फैन हैं हल्दी के। ये इतनी सुसंस्कारी सुशील लड़की आपकी होने वाली बीवी है? पता है आपको, हम भी ऐसी सुंदर सुशील गाय बहू चाहते थे, मगर मिली कौन? शेरनी। वैसे क्या क्या इस गाय ने? गाय नहीं पुष्पा जी, गर्ल, लड़की है ना वो। गाय का तो सिर्फ भेस ओढ़ रखा है उसने, फितरत एकदम लोमड़ियों जैसी है।
नहीं, समस्या क्या है? समस्या समझाइए हमें। समस्या ये है कि वो चाहती है कि हम अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को छोड़कर सिर्फ उसके साथ रहें। ज्वाइंट फैमिली में रहने से इनकार कर रही है वो। असंभव। इतनी सुसंस्कारी, अपनी सास की सेवा करने वाली इतनी गाय लड़की ऐसा बोल ही नहीं सकती। टीवी सीरियल और असली जिंदगी में बहुत फर्क होता है पुष्पा जी। गाय दिखती है, गाय है नहीं। आपको गाय चाहिए, आपको ये शेरनी नहीं जम रही है तो हमको बता दीजिए अभी। नहीं नहीं, चला लेंगे हम। एक बात बताइए, आपने ये सारी बातें पहले से क्लियर नहीं की थी? बस यही तो एक चूक हो गई हमसे। वो क्या है ना, पहले हमारे मम्मी पापा भैया भाभी के साथ कानपुर में रहते थे। अब वहाँ भाभी की भी यही जिद थी कि मम्मी पापा को अलग कर दो। अब भैया को ये करना पड़ा। अब पापा हार्ट के पेशेंट हैं और मम्मी के घुटनों में इतना दर्द रहता है ना कि बेचारी ठीक से चल भी नहीं पाती। इसीलिए हमने सोचा कि हम अपने मम्मी पापा को अपने पास ले आते हैं। सोचा था कि उनका ख्याल रखेंगे, हमारे साथ रहेंगे। लेकिन हल्दी, उसको ये सब चीजें मंजूर नहीं थी। उसने तो ये भी कहा कि उसने शादी के लिए हाँ सिर्फ इसलिए की क्योंकि हम पेरेंट्स के साथ नहीं रहते थे। उसका तो ये भी मानना है कि हम उसे चीट कर रहे हैं। अब बताइए, शादी को सिर्फ 2 दिन बचे हैं, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। ये तो बहुत ही गंभीर समस्या है बंधु, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो 2 महिलाएं आपके सामने खड़ी है ना, ये बहुत ही कुशल है ऐसी समस्याओं का निवारण ढूंढने में। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपका काम हो जाएगा। तो हम चलते हैं, इंतजार रहेगा केस के निवारण तक। जय हिंद सर। जय हिंद। हत हत होती है अमा, ऐसा भी कोई लड़की होता है क्या? अपने बीमार सास ससुर का उसको कोई चिंता ही नहीं है? शादी करके रिश्ता जोड़ने की जगह तोड़ने का बात कर रही है। इसको ना, इसको हम अपने तरीका से समझाएंगे, फिर समझेगी ये। करिश्मा सिंह, समझाने और धमकाने में बहुत फर्क होता है जो आपकी समझ के परे है। और वैसे भी ये शादी ब्याह का मामला है, जोर जबरदस्ती से ये बात सिर्फ बिगड़ेगी, बनेगी नहीं। इसलिए आप रहने दीजिए, हम अपने ढंग से सॉल्व कर लेंगे। क्या है ना मैडम सर, बचपन से लेकर आज तक हम जॉइंट फैमिली में रहे हैं, तो उससे जुड़े जितने भी जज्बात होते हैं ना, उनको हम बहुत अच्छी तरीका से समझते हैं। और इस केस से भी हम जज्बाती तौर पर जुड़े हैं। और एक बात मैडम सर, यहाँ ना हमारा तजुर्बा आपसे कहीं ज़्यादा है। बिल्कुल, लेकिन बिना हाथ पैर चलाए केस सॉल्व करने में आपका तजुर्बा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मना कर रहे हैं। हाँ नहीं है, नहीं है हमको। लेकिन ये जो आपका भरोसा ना कि ये केस हम कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये भी बहुत गलत है। करिश्मा सिंह, हमें आपकी नीयत पर शक नहीं है, सिर्फ तरीकों पर भरोसा नहीं है। सर का इंतजार खत्म हो गया, जाओ जल्दी बुलाओ हमको, जाओ। सर, सर, इंतजार के पल खत्म हुए, अंदर महायुद्ध फिर से शुरू हो गया, जल्दी चलिए प्लीज। क्या मतभेद हुआ है आप दोनों के बीच? अनुभव भैया, कोई सर, कोई मतभेद नहीं हुआ है। बात यह है कि मैडम सर हमें हमारे तरीका से काम नहीं करने देती है, इसलिए हमें हमारा पक्ष रखना पड़ता है, जो इन्हें समझ में नहीं आता है। ऐसा कुछ नहीं है सर, सीनियर होने के नाते अगर हमारे टीम वाले कोई गलत डिसीजन लेने वाले हों तो उन्हें रोकना हमारा फर्ज है। नहीं नहीं मैडम सर, आप हमेशा हमें इस बात का एहसास दिलाती हैं कि आप SHO हैं और हम SI हैं, आप सीनियर हैं और हम जूनियर हैं। सर, ये दोनों तो फिर से लड़ पड़ी, आप कोई सोल्यूशन ढूंढो वरना मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। आप सोच को क्यों तकलीफ देंगी, हमें ही अपने मस्तिष्क पर थोड़ा जोर डालने दीजिए। जगह बदलनी पड़ेगी। सर धूप लग रही तो आप गॉगल्स पहन लो, जगह बदलने की जरूरत नहीं है। चलिए हमारे साथ। आज से करिश्मा सिंह SHO का पद संभालेंगी।
फिर से दो दो ऐसे जो हमने देखा है, दो ऐसे जो होने के बावजूद समस्या हल नहीं होती। पर हमने कब कहा कि दो ऐसे जो होंगे? सिर्फ करिश्मा सिंह ऐसे जो बनेंगी। और आप इनके नेतृत्व में काम करेंगी, सब इंस्पेक्टर हसीना मलिक बनके। अब आप दोनों के पैरों में एक दूसरे के जूते हैं, अब शायद आप दोनों को एक दूसरे की स्थिति समझ आएगी। और जहां से हम देख रहे हैं, आप दोनों के बीच सिर्फ मतभेद है, मनभेद नहीं। आशा करते हैं कि हमारे इस प्रयोग से ये केस जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए और आप दोनों के बीच का ये मतभेद हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अनुभव भैया रुकिए, हम अभी भी ड्यूटी पर है। नहीं, हमें ड्यूटी का दुहाई मत दीजिए आप। हमको आपका जूनियर बात नहीं कर रहे हैं, आपका बहन बात कर रहे हैं। ये अंदर आप क्या भौकाल मचा कर आए हैं? नहीं मतलब डीएसपी बन गया तो जो मन करेगा वो करेंगे आप। सबको यही लगेगा कि भाई अपनी बहन की तरफदारी कर रहा है। बहना, तनिक शांति से वार्तालाप कीजिए। तुम्हारे बड़े भाई होने के अलावा हम शहर के डीएसपी हैं। हमारे मान सम्मान का आदर कीजिए। हम सब करेंगे, लेकिन आप पहले जो आप ऑर्डर देकर आए हैं ना अंदर, उसको वापस ले लीजिए। आप जानते हैं हमें ये भतीजावाद बिल्कुल पसंद नहीं है, इसके खिलाफ है हम। ओ, तो क्या हम भतीजावाद में विश्वास रखते हैं? हाँ, बिल्कुल रखते हैं। जी नहीं, हम सख्त उसके विरोधी हैं, ये तुम जानती हो, और उसके बावजूद भी हम पर ये गंभीर आरोप लगा रही हो। जरा सोचो, क्या कभी भी आज तक बिना किसी वजह, केवल तुम्हारे बड़े भाई होने के नाते हमने तुम्हारी तरफदारी की है? नहीं ना, तो हम बस डीएसपी होने का कर्तव्य निभा रहे हैं। चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। और यदि तुमने अपना पद ठीक से नहीं संभाला तो हो सकता है कि कल हम तुम्हारा भी पत्ता काट दें। ये किया आपने करिश्मा सिंह के भाई वाला बात। भाई नहीं, हाँ सर, सर जी। डीएसपी, अब जाइए और हमारे आदेश का पालन कीजिए और अपने एसएचओ का पद ठीक से संभालिए। यस सर। चले मैडम सर, केस सॉल्व करते। चलिए। निकल निकल हमार बबुआ की जिंदगी से। अरे कुंडली मार कर बैठल हो हमार जिंदगी में, निकल यहाँ से। तनिक हमका माफ कर दीजिए सासू माँ, हम तुम्हारे पाँव पड़ते हैं सासू माँ। ये घर जैसे स्वर को हम सही छोड़ कर नहीं जाएंगे सासू माँ, हमको माफ कर दो। हम कछु नहीं सुनेंगे, निकलो यहाँ से। संतोष शर्मा, हाँ? ये एक्टिंग चल रही है, सच में कोई इसे घर से नहीं निकल रहा। कट 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 कट, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मैं बोलता हूँ, इधर आप जब गिरे, इधर जी कहिए जी। हमें एसएचओ अब कुछ बोलेंगी मैडम जी? हम एसएचओ करिश्मा सिंह हैं और ये है एसआई हसीना मलिक हैं। और मैं पहले भी कांस्टेबल संतोष शर्मा और अब भी कांस्टेबल संतोष शर्मा। हाँ तो कहिए जी। वो आपकी शो का हीरोइन है ना हल्दी, उससे हम मिलने आए हैं, बात करना है उनसे, थोड़ा पर्सनल मैटर है, तो आप उनको बुला दीजिए। एक सेकंड। मैडम जी, तोरा से मिले खातिर पुलिस आई है। पुलिस?
पर why? I don't know. हम देखते हैं. Ourselves हल्दी. Yours? आपके मंगेतर हैं ना ब्रजेश, उन्होंने हमें यहाँ भेजा है आपसे बात करने के लिए. थोड़ा प्राइवेट में बात कर सकते हैं, पर्सनल मैटर है. चलिए. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.